हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथालोक में। मैं अनिल मिश्रा। तो सबसे पहले मित्रों, इस टारगेट विथालोक परिवार में समस्त संस्कृत विद्वत जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि मालूम है कि संस्थान आपके सुविधा के लिए जो है संस्कृत टीजीटी का एक नया बैच आगाज करने जा रहा है। संस्थान में एक पुराना बैच चल रहा है। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि यह संस्थान आलोक सर और रवि सर के निर्देशन में यह संस्थान कार्य कर रहा है और आप लोगों की गुणवत्ता के लिए, आप लोगों की अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे हैं। संस्कृत विषय वस्तु की जिम्मेदारी संस्थान ने हमारे ऊपर रखी है, तो एक बहुत बड़ी उपयोगिता को देखते हुए संस्थान ने दोबारा या एक नया बैच शुरू किया है। तो देखें मित्रों, जैसा कि रवि सर बार बार कहा करते हैं कि सत्र 2021 उत्तर प्रदेश में ये शिक्षक वर्ष के रूप में जाना जाएगा। आपने देखा कि अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा एक बहुत विशाल वैकेंसी का आगाज किया गया है और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश में इतनी बड़ी भर्ती जो है शिक्षकों की आई हुई है। तो हम लोग का एक उद्देश्य है, संस्थान का उद्देश्य है कि आने वाले समय में इस संस्थान के माध्यम से पूरे प्रदेश में ऐसे छात्र या ऐसे प्रतियोगी जो किसी कारणवश अच्छी शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो संस्थान का यह प्रयास है कि इस संस्थान के माध्यम से आप घर बैठ करके भी जो है अपनी अच्छी कुशल कम्पिटेटिव जानकारी को प्राप्त करते हुए और विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान प्राप्त करके एक कुशल शिक्षक बन सके। मित्रों, एक चीज और बहुत बड़ी बात है कि शिक्षक पद वर्तमान में इसकी उपयोगिता, इसके कर्तव्य को यदि देखा जाए तो शिक्षक का पद एक रोल मॉडल होता है, यह समाज का आदर्श है और ऐसी सब स्थितियों को देखते हुए प्रत्येक प्रतियोगी को शिक्षक बनना एक गर्व की बात है। इन्हीं सब उद्देश्यों को देखते हुए संस्थान से इस टीजीटी पीजीटी की क्लास में जुड़ने के लिए संस्कृत विषय वस्तु का एक आप देखें, इन्हीं सब सुविधाओं को देखते हुए संस्थान के द्वारा जो है, संस्थान का एक व्हाट्सएप नंबर है 82 83 82 95 56 94, इस पर आप एंट्री टीजीटी पीजीटी सब्जेक्ट संस्कृत के माध्यम से इस संस्थान से आप जुड़ सकते हैं और जो भी आपकी समस्याएं हैं उस समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मित्रों, आज की क्लास में हम लोग जो है विषय वस्तु की भी थोड़ी सी जानकारी का अवलोकन करना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ी सी विषय वस्तु पर चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए और इसी उद्देश्य से आज हम लोग आपके सिलेबस की एक महत्वपूर्ण ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि चतुर्थ अंक आपके सिलेबस में रखा गया है, इसी विषय वस्तु पर थोड़ा सा चर्चा परिचर्चा भी करना चाहते हैं। तो आइए हम लोग जो है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आपका, आप देखें अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक। इस चतुर्थ अंक में जैसा कि आपको मालूम है कि अभिज्ञान शाकुंतलम एक ऐसा नाटक है जो कालिदास के द्वारा रचा गया है। यह दुनिया का सबसे सर्वोत्कृष्ट नाटक है और एक चीज आपके दिमाग में, एक बड़ा मना मन मस्तिष्क में, जैसे कालिदास का नाम आता है तो लोग उद्वेलित हो जाते हैं कि आखिर कालिदास कहना क्या चाहते हैं, कालिदास बताना क्या चाहते हैं। तो आप देखें,
आज हम लोग इस अभिज्ञान शाकुंतलम की चर्चा कर रहे हैं और यही चतुर्थ अंक आपके सिलेबस में है। चतुर्थ अंक के 22 श्लोक को केवल आपको पढ़ना है। और मित्रों, एक चीज आप देखें, इस चतुर्थ अंक में अभिज्ञान शाकुंतलम के एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है। शकुंतला की विदाई है। शकुंतला विवाहित होने के पश्चात पतगृह जाना चाहती है और ऐसी स्थिति में इस श्लोक के माध्यम से कालिदास बताना क्या चाहते हैं। कालिदास की नाट्य कला पर हम जब चर्चा करते हैं तो आप देखें कि इस श्लोक के माध्यम से कैसे पूरी चतुर्थ अंक की घटनाओं को यहां इंगित कर देते हैं। आप देखें, इस पर हम लोग चर्चा करने से पहले थोड़ा सा इसका हम लोग वाचन यदि कर लें तो बहुत बढ़िया होगा। और देखें, संस्कृत का वाचन बड़ा आसान होता है क्योंकि यह छंदबद्ध रचना होती है। जैसे आप देखें, चतुर्थ अंक का दूसरा श्लोक आपके सिलेबस में है जो रखा गया यहां पर, और ये दूसरा श्लोक है। वंशस्थ छंद में यह निर्मित है। इसमें कैसे घटना पढ़ी जाती, वंशस्थ छंद पढ़ने का एक तौर तरीका होता है कि कहीं रुकने का आयाम नहीं है, शुरू करिए और समापन कर दीजिए। तजबा बसंत तिलका तजबा जगौगा, बसंत तिलका तजबा जगौगा। तो देखें, इस श्लोक को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं तो कह रहे हैं कि यात के तो वस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो वरुण पुरः शरायेक तो वरकः तेजो द्वयस्य युगपद विष्णो दयाभ्याम लोको नियाम्यत इवात्मदशांतरेषु। और बढ़िया इसको वाचन कर सकते हैं। देखें, कह रहे हैं कि यातेक तो वस्त शिखरम पतिरोषधीना माविष्कृतो वरुण पुरः शर एक तो वर कह तेजो द्वयस्य युगपद विष्णो दयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु। तो इस तरह से देखिए, बसंत तिलका छंद का वाचन किया जाता है। अब मित्रों, एक बात आप देखें कि कालिदास इस श्लोक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। पहले थोड़ी सी इसके प्रसंग पर हम लोग चर्चा करें कि देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई है। वह वैवाहिक विवाह के पश्चात, क्योंकि तृतीय अंक में उसका विवाह हो जाता है और विवाह के पश्चात वह पतगृह जा रही है, उसकी विदाई हो रही है। यहां पर इस श्लोक के माध्यम से शकुंतला पर आने वाली विपत्ति की सूचना दी जा रही है। कालिदास ने बताना चाहते हैं इस बात को कि शकुंतला के ऊपर विपत्ति आएगी, लेकिन उस विपत्ति का जो है निराकरण शीघ्र हो जाएगा। तो देखिए कितनी मार्मिक घटना है यहां पर। और यहां पर देखिए, इस चतुर्थ अंक में सबसे पहले आपसे यह सोचने वाली बात है कि काश्यप ऋषि हैं। काश्यप ऋषि सोम तीर्थ गए हुए हैं। सोम तीर्थ से क्यों गए हुए हैं? क्योंकि शकुंतला के ऊपर विपत्ति आएगी और उसी विपत्ति के निराकरण के लिए वो सोम तीर्थ प्रवास पर गए हुए हैं। और प्रवास से जब लौटते हैं, अपने आश्रम में आते हैं, तो स्थिति क्या होती है? शिष्यों को आदेशित करते हैं कि जा करके देखो कितनी रात्रि शेष है, पता लगाओ। शिष्य बाहर जाता है और वह कहता हंत प्रभातम, ओह सवेरा हो गया है। खेद के साथ कहता, अरे सवेरा हो गया, क्योंकि आप देखिए संध्या
बंधन का समय है, नित्य क्रिया का समय है। शिष्य संत कैसे कहता है, ओह हंत प्रभातम आकर के काश्यप ऋषि से कहता है। तो यहां पर एक चीज बड़ा मार्मिक प्रश्न उठता है कि देखिए इस अभिज्ञान शाकुंतलम जो आपका नाटक है, इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में एक बड़ी अच्छी बात बताई जा रही है, आपसे प्रश्न किया जा सकता है, क्योंकि अब आप प्रतियोगी हैं, आपको विषय वस्तु का विशद ज्ञान है, आपने अपने एकेडमिक करियर की तैयारी अब कर रहे हैं, यहां पर हमें प्रतियोगिता के आधार पर इस विषय वस्तु को पढ़ना है कि कैसे हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। आपसे व्याख्या नहीं पूछी जाएगी, आपसे अनुवाद नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपने इस विषय वस्तु का एकेडमिक स्तर पर आपने अध्ययन किया है। अब आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, आपको प्रतियोगिता देनी है, तो सबसे पहला प्रश्न यहां से निकल करके क्या आता है कि भैया अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कालिदास ने जो वर्णन किया है, उस वर्णन का प्रसंग का समय क्या है। तो देखिए प्रभात का वर्णन है, प्रभात का वर्णन है। इसकी शुरुआत कहां से होती है, प्रभात वर्णन से होती है। बड़ा मार्मिक प्रश्न है। ओ हंत प्रभातम, सवेरा हो गया है। अब कंडीशन क्या है, यहां से संकेत कुछ दिया जा रहा है, घटना का नाटक का संकेत क्या है। संकेत क्या किया जा रहा है, यहां पर दो तेजों की बात की जा रही है, तेजो द्वयस्य। दो तेज क्या है, ओस पति नाम, पति रोषधी नाम, ओषधीश की बात हो रही है। दो तेजों में अरुण पुरह अरकह की बात हो रही है। कह रहे हैं कि दो तेज, यहां पर एक संकेत है। संकेत क्या है, दुख का संकेत है, दुख का संकेत है। किसके संग, नायिका के ऊपर, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है, शकुंतला है। शकुंतला के ऊपर दुख है, उसका पति उसको नहीं पहचानेगा, जब वो पतिगृह जाएगी तो वह उसको पहचानने से मना कर देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वह शापित हो चुकी है। दुर्वासा ऋषि ने आतिथ्य सत्कार न करने के कारण, भूल हो जाने के कारण उन्होंने शापित शाप दे दिया है। दूसरी चीज यहां पर देखिए, कैसे कालिदास की मार्मिकता के दशा दशांतरेश, यह भी पद आपको समझ लेना है, क्योंकि यहां से भी एक व्यवस्था बनाई गई है। कालिदास के घटना संयोजन नाट्यकला में जो घटना संयोजन है, कैसे वो जोड़ते हैं। दशांतरेश, दशांतरेश क्या है, दशाएं परिवर्तनशील होती हैं। यहां ये बताना चाहते हैं कि दशाएं परिवर्तनशील हैं। इसका मतलब क्या है भाई, सूर्य और चंद्र आप देखिए कैसे है, ये दशाएं हैं। यदि सूर्य अस्तांचल को जा रहा है तो वहां उसके बाद हो क्या रहा है, प्रभात का वेला कैसे होता है, अरुण, क्योंकि सूर्य का सारथी कौन है, अरुण सूर्य का सारथी है। पूरा सरा है अरुण, कर्ता सूर्य, कर्ता क्या है, अरुण को आगे किए हुए उस अंधकार का समापन कर देता है। तो वही चीज यहां पर शिक्षा है, उन्नति और औन्नति, दशाएं परिवर्तनशील हैं, दुख और सुख ये अनवरत आते जाते रहते हैं। तो इस तरह से देखिए, इसमें बड़ी मार्मिक बातें कालिदास ने इस नाटक में बताई कि शकुंतला के ऊपर विपत्ति आएगी, लेकिन उस विपत्ति का निराकरण हो जाएगा। इसके माध्यम से समाज को क्या शिक्षा दे रहे हैं कालिदास, भाई अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, इस नाटक के माध्यम से समाज को कैसे शिक्षा दे रहे कालिदास, अब पूरे प्रसंग को हम लोग देखते हैं। देखें, करें कि यात एक तो अस्त शिखरा, यात एक तो अस्त शिखरम पति रोषधी नाम। करें प्रसंग को देखें,
कारण कि एकता है, औषधि नाम पति है, अस्त शिखरम याति। एकदम अन्वय एकदम स्पष्ट हो गया, कारण कि एकता है, औषधि नाम पति है, याति याति मीन्स जा रहा, गच्छति कहां, अस्तांचल को, अस्त हो रहा है। दूसरी तरफ क्या घटना घट रही है, उदिता है, एकता है, अरुण पूरा है सर, एकता है, अरुण पूरा है सर, अर्का है, अर्का मीन्स सूर्य। दूसरी तरफ क्या हो रहा भैया, कह रहे कि अरुण अर्का है, अरुण क्या है, सूर्य का सारथी है। आप देखते हैं कि जब सूर्य अस्तांचल को होता है, जब सूर्य निकलता है, तो उसकी आभा पर यदि आप विशेष रूप से ध्यान दें तो कैसा प्रतीत होता है, यह सूर्य का जो लाल मंडल की जो आभा है उसी को अरुण कहा जाता है, उसी को अरुण कहा जाता है, और वह है क्या, सूर्य का सारथी है। तो यही बात कालिदास कहना चाहते हैं कि एक तरफ चंद्रमा जो है अस्तांचल को जा रहा है, दूसरी तरफ सूर्य क्या कर रहा है, अरुण को आगे किए हुए निकल रहा है। अब तीसरी लाइन में आए, थोड़ा सा यहां इंगित कर दिया जाए, करें कि तेजो द्वयस्य, तेजो द्वयस्य क्या मतलब, यहां दो तेज हैं जो शिक्षा दे रहे हैं कि दशाएं क्या है, परिवर्तनशील हैं। आप देखिए, अंधकार है, अंधकार के बाद प्रकाश है, यह दुख और सुख का जो है बोधक है। देखिए, दुख किसका बोधक है, चंद्रमा का बोधक है, चंद्रमा अस्तांचल का को जा रहा है, इसका मतलब शकुंतला के ऊपर विपत्ति आ रही है। अरुण पूरा है सारा, यहां पर जो है अर्क जो है अरुण को आगे करके उदीयमान हो रहा है, इसका मतलब जो दुख आ रहा है उसका निराकरण भी कालिदास बता देना चाहते हैं, घबराने की बात नहीं है, शकुंतला का विपत्ति दूर हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि कारण कि तेजो द्वयस्य युगपद वैष्णो दयाभ्याम, दो तेजों का एक साथ अस्त और उदय होना, क्या कर रहे हैं, लोको नियमित इवात्म दशांतरेशु, लोको में संसार में अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहे हैं, ये सामान्य रूप से इसका अर्थ है। अब देखिए, अब इसी को हमें प्रतियोगिता के स्तर पर देखना है कि यहां हमें कंपटीशन देना है, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना है, तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि हमसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको भी तो जानना जरूरी है। तो आपके इस विषय वस्तु में आप देखें, जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में दो बातें बताई गई हैं कि भाई आपसे तो पूछा क्या जाएगा, आपसे पात्र परिचय पूछा जा सकता है, आपसे शब्दार्थ पूछा जा सकता है, आपसे सूक्तियां पूछी जा सकती हैं, इतने प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा। इसमें समास क्या हो सकता, सामासिक पदों की भी चर्चा हो सकती है, इसमें जो है अलंकार पूछा जा सकता, छंद पूछा जा सकता है, इस तरह से। अब देखिए कितना अंतर होता है एक प्रतियोगिता के आधार पर उसी विषय वस्तु को पढ़ना, जिस विषय को आपने एकेडमिक करियर में पढ़ करके आया है, यहां कितना अंतर है। तो अब देखें, मान लीजिए कि यही विषय वस्तु है, यहां से प्रश्न पूछा जाए, तो देखें कि कैसे कैसे हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब देखिए, इसको हम प्रतियोगिता के आधार पर पढ़ते हैं। तो पहला प्रसंग यहां पर यह है कि यह प्रसंग जो है प्रभात का वर्णन है। दूसरी बात यहां पर देखिए, पहले औषधि की बात हम करना चाहते हैं, औषधि नाम पति, यह किसके लिए आया हुआ, इसका शब्दार्थ देखें तो चंद्रमा औषधीश किसको कहा जाता है, तो करेक्ट औषधीश चंद्रमा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता भैया, क्यों कहा जाता है, तो देखें कि
कह रहे कि चंद्रमा की शीतलता में वो औषधियों का निर्माण होता है, इसीलिए जो है चंद्रमा को क्या कहा जाता है, औषधीश कहा जाता है। तो यहां पर एक देखिए, यह औषधि शास्त्र की शब्दावली है, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। आपसे यहां पर टिप्पणी पूछा जा सकता है, औषधा की औष उपपद है, धा क्या है, धातु है, कि इसमें जो है प्रत्यय है, इसलिए यह प्रश्न बड़ा अच्छा है। दूसरी चीज देखिए, आविष्कृतो यह क्रियापद है, निकलना, और यहां पर आप देखें अरुण पूरा, पूरा सारा पद जो है आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताएं कि इस पूरा सारा पद जो है, पूरा है शर पद है, इस पद में जो है सामासिक पद है, कौन सा समास हो सकता है, तो बहुव्रीहि समास का बड़ा अच्छा उदाहरण है ये। यहां से देखिए अरकह पद है, अरकह यहां पर शब्दार्थ है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अरकह मीन्स क्या होता है, अरकह मीन्स सूर्य होता है। यहीं से एक प्रश्न और निकाल दिया जाए तो यह एक बड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा कि भाई सूर्य का सारथी कौन है। तो सूर्य का सारथी जैसा कि आप जानते हैं कि अरुण है, अरुण जो है सूर्य का सारथी है, तो यह भी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखें इन दोनों पंक्तियों को देख लें, ये दोनों पंक्तियां बार बार पूछी जाती हैं। तेजो द्वयस्य युगपद वैष्णो दयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु, यह पंक्ति सूक्ति के रूप में बार बार पूछी जाएगी। तेजो द्वयस्य, दो तेजों का एक साथ उदय और अस्त होना, इस संसार में या यह दो तेजों का एक साथ उदय और अस्त होना, यह संसार शिक्षा दे रहा है। किस चीज का शिक्षा दे रहा भैया, तो कह रहे कि दशांतरेषु, ये जो दशाएं हैं जो परिवर्तनशील हैं, यही नियंत्रणी दोनों तेजों का एक साथ उदय और अस्त होना, यह संसार अपने दशा विशेषों में जो नियंत्रित हो रहा है, यह शिक्षा क्या दे रहा है, मानव जीवन को यहां पर शकुंतला के माध्यम से शिक्षा दे रहा है कि उन्नति और औन्नति, उन्नति में आपको हर्ष होता है, औन्नति में आपको दुख की अनुभूति होती है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। यह दशाएं परिवर्तित होती रहती हैं क्योंकि स्थिर नहीं है। आप जरा सोचें कि यदि किसी के ऊपर सदैव दुख ही रहे, किसी के ऊपर सदैव सुख ही रहे, तो क्या यह संभव है, नहीं संभव नहीं है। यह समय जो है परिवर्तनशील है, समय ही व्यक्ति को उन्नत और औन्नत बनाता है, और यही आपको शिक्षा दी जा रही है किसके माध्यम से, शकुंतला के माध्यम से कालिदास पूरे समाज को बताना चाहते हैं कि भैया घबराने की बात नहीं है, यह एक दशा है, दशाएं परिवर्तनशील होती हैं और सुख दुख में सदैव परिवर्तन होता रहेगा। तो इस तरह से देखिए कालिदास के इस श्लोक को आज वर्तमान समय में इसकी क्या उपयोगिता है, यदि इस पर हम विचार करें तो इसकी कितनी महत्वपूर्ण उपयोगिता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, यदि आज आपके ऊपर सुख है तो कल जरूर परिवर्तित होगा, वह सुख में परिणित होगा। तो इस तरह से आप देखें तो यह सूक्ति आपकी है, यह लाइन आपसे पूछी जा सकती है कि यह पंक्ति कहां से ली गई है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग से ली गई है। एक प्रश्न यहां से बड़ा अच्छा मार्मिक आपसे पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है, चतुर्थ अंक में यह घटना किस पात्र के माध्यम से कही जा रही है, तो देखिए कर्ण का शिष्य कह रहा है, शिष्य का कथन है, यह भी बड़ा मार्मिक प्रसंग है, शिष्य का कथन है। और क्या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, यहां पर एक बड़ी मार्मिक बातें हैं मित्रों, बात क्या है, यू आत्म दशांतरेषु, यू यहां पर देखिए यू पद का द्योतक है, और इस यू पद से
अलंकार निर्गित कर दिया गया है, निर्दिष्ट कर दिया गया है। यहां पर आपको बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि इस यू आत्म दशांतरेषु, यहां यू किसके साथ है, नियमत के साथ है जो क्रिया का बोधक है, यह क्रिया से युक्त है। और यहां पर एक बहुत मार्मिक प्रश्न निकलता है, आइए इसको आप ठीक समझें कि जब यू का वाचक क्रिया का बोध कराता है तो तुरंत वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, और यदि यू उपमा के साथ आता है, संज्ञा के साथ आता है, तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। तो यह भी एक ट्रिक है आपका, देखिए यहां से यह उत्प्रेक्षा अलंकार का बोध करा देता है। एक प्रश्न और आपसे चर्चा करेंगे, और देखें प्रश्न क्या है, छंद की चर्चा है आपसे। यहां से एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि भाई अभिज्ञान शाकुंतलम का द्वितीय श्लोक है, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो एक चीज आप जरा बताएं कि इस श्लोक में किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो देखिए बसंत तिल का छंद का प्रयोग किया गया है, बसंत तिल का, बसंत तिल का, क्योंकि जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य का मार्मिक चित्रण जब किया जाता है तो बसंत तिल का छंद का प्रयोग किया जाता है। बसंत तिल का छंद में 14 वर्ण होते हैं, इसमें यति अंत में होती है, इसीलिए आप देखिए इस तरह के श्लोकों को पढ़ने की बड़ी सरलता है कि हर संस्कृत विद्वान बहुत आसानी से इसको पढ़ सकता है, समझ सकता है। तो इस तरह से देखें कि यह संपूर्ण श्लोक एक प्रतियोगिता के आधार पर कितना आसान है इसमें तैयारी करना। तो इस तरह से आप देखें कि इस विषय वस्तु को समझते हुए आप हमारे इस संस्थान टारगेट विथ आलोक से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।